एक ऐतिहासिक क्षण 1 मई 1960 की मध्य रात्रि ठीक 12 बजे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नवनिर्मित महाराष्ट्र का नक्शा प्रकाश मानकर महाराष्ट्र राज्य का उद्घाटन किया। उस समय उनके साथ महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान साथ में उपस्थित थे। महाराष्ट्र के पहले राज्यपाल श्री प्रकाश महाराष्ट्र राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर समारंभ समिति द्वारा महाराष्ट्र राज्य महोत्सव मुद्रा निकाली गई थी। यह मुद्रा 3 धातुओं सोना चांदी और निकल में बनाई गई थी, जो आज दुर्लभ होती जा रही है। यह मुद्रा 1 मई 1960 के कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को वितरित की गई थी। उसके बाद महाराष्ट्र शासन के सभी कर्मचारियों को भी वितरित की गई थी। कालांतर में यह महाराष्ट्र की राज्य मुद्रा लुप्त हो गई है। कुछ मुद्राओं को स्वर्णकारों ने गला दिया। उन्हें स्वर्णकारों से प्राप्त एक चांदी की राज्य मुद्रा अशोक सिंह ठाकुर जी के संग्रह में है। इस राज्य मुद्रा अग्रभाग के मध्य में भारत सरकार का अशोक चिन्ह अंकित है और ऊपरी और गोलाई में महाराष्ट्र राज्य स्थापना महोत्सव व नीचे में वैशाख 11/1882 में 1960 लिखा है। इसके पृष्ठ भाग के मध्य में दीवा अंकित है और ऊपरी भाग की गोलाई में प्रति पंचयन द्रे लेखे व वर्धि विष्णु विश्व वदंती व नीचे गीत और महाराष्ट्र राज्यस्य मुद्रा भद्राय राजते लिखा है। उस मुद्रा में संस्कृत की एक पंक्ति राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के दिनांक समय जारी की गई सोने की मोहर से ली गई है और लगान दिया भी, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा थी। महाराष्ट्र राज्य ने भी उस मुद्रा को अपना कर छत्रपति शिवाजी के आदेश और परंपरा को आगे बढ़ाया। यह मुद्रा जिन भी महानुभाव के पास है उसे सुरक्षित रखी और कभी न गलाएं, ऐसा अशोक सिंह ठाकुर ने कहा। उससे हमारे महाराष्ट्र दिवस का इतिहास 1 मई 1960 अमर रहेगा। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की अलग स्थापना हुई थी और इसका एक बहुत बड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 30 अप्रैल की रात मध्य रात को 0 आवर्स में महाराष्ट्र का नक्शा को प्रकाशमान करके महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की घोषणा की उन्होंने, और उस अवसर पे वहाँ जितने उपस्थित लोग थे उनके लिए खासकर चांदी के, सोने के और कॉपर निकल के कुछ मेडल बनवाए गए थे उस खास इवेंट के लिए। सोने का मेडल का तो कुछ प्रमाण हमें नहीं मिलता, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे वो हर चीज़ दिखती है। लेकिन चांदी के और कुपरों निकल के पदक, जिसे हम मुद्रा कहते हैं, वो आज भी हमें कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देती है। और मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरे कलेक्शन में 8 सिल्वर की और 300 वर्निस कॉपर निकल की मुद्राएँ मैंने 2000 से कलेक्ट करना शुरू किया। इसके पीछे मेरा एक ही उद्देश्य था कि लोग इसको गला देते थे और गलाने के बाद में हमारा एक बहुत अच्छा स्थापना दिवस का पदक, इतिहास हमारा विरासत एकदम हमारी गायब होते जा रही थी, तो आज के तारीख में मैंने उनको प्रिजर्व करके रखा। उस समय अगर हम इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में, पदक के बारे में, इस मुद्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा पे महाराष्ट्र राज्य स्थापना महोत्सव वैशाख 11/1882 1 मई 1960 एक तरफ ऐसा लिखा हुआ है इसमें, और उसके दूसरी तरफ में शिवाजी महाराज की जो राज मुद्रा थी प्रतिपत्र लिखे वाली, वो पूरा श्लोक राउंड में है और लामन दीवा इस पर अंकित है। तो ये हमारी महाराष्ट्र की बहुत बड़ी धरोहर है जो 1 मई 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ से इसको रिलीज किया गया था और वहाँ उपस्थित लोगों में बांटा गया था। और सभी ऑफिशियल, चाहे वो जिला अधिकारी हो चाहे तहसीलदार, सबको उन्होंने कॉपर निकल के पदक बांटा गया था। लेकिन आज के तारीख में वो पदक लुप्त हो गया है, वो कहाँ गया पता नहीं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने इसको गला दिया कुपरों निकल को। तो ये मुद्रा अब धीरे धीरे बहुत अति दुर्लभ होते जा रही है। मेरी शासन और प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि इस मुद्रा को जतन करनी चाहिए ताकि ये मुद्रा बची रहे और हमारा महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा इतिहास लोगों के सामने हमेशा जीवित रहे। चंद्रपुर से BCN न्यूज के लिए सुनील ताईडी की स्पेशल रिपोर्ट।